इस बातचीत के लिए और वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन WBE ये एक नए तर्ज पर इलेक्शन को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है। NDTV इंडिया की वर्ल्ड रेसलिंग तो सबने देखी है, उठा उठा के पटका जाता है। यहाँ पर डेढ़ दो ढाई महीने के चुनाव में सबने सबको पटक दिया है। हम यहाँ लड़ेंगे नहीं, मैं और विकास आपस में चर्चा करेंगे। बहुत जरूरी था कि हम लोग प्रतिद्वंदी नहीं है। मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे पटकेगा कौन। नहीं, कोई नहीं पटकेगा किसी को। यहाँ पे हम सवालों के जरिए अपने नेताओं को पटकने की कोशिश जरूर करेंगे। या तो देखिए विकास मेरे साथ जुड़ गए इस सेगमेंट में। बिल्कुल, और देखिए इस सेगमेंट में हम खास तौर पर बातें करेंगे NDTV इंडिया और जनसत्ता जन की बात का। कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर पेश करेंगे, उन आंकड़ों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और पूरी बिग पिक्चर इस रिंग के जरिए हम आपके सामने रखेंगे कि देश भर में आखिर 4 जून को होने क्या जा रहा है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में कहां कहां BJP और कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कहां पर उनको पीछे हटना पड़ रहा है, कौन सा क्षेत्रीय दल अच्छा कर रहा है, किस क्षेत्रीय दल को BJP या दूसरे दल पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जन की बात के प्रमुख हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। प्रदीप, हम ये जानना जरूर चाहेंगे और हमारे दर्शक भी इस बात को समझना चाहेंगे कि आखिर जब आपने सर्वे किया तो किन किन क्षेत्रों में गए, किस तरह से आपने इन क्षेत्रों को डिवाइड किया, क्या बेसिस पॉइंट थे आपके और सैंपल साइज क्या था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्रिया विकास और सुमित जी, आप दोनों के साथ NDTV इंडिया पे जुड़कर काफी अच्छा लग रहा है। विकास जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग ने जो पूरा का पूरा सैंपल साइज लिया है, 3.5 लाख का सैंपल साइज लिया है। 2019 का चुनाव जब हमने सही आकलन किया था तब हमारा सैंपल साइज 5 लाख का था। ओवरऑल ये सर्वे कोई टेली कॉलिंग के जरिए नहीं हुआ है। ये सर्वे के अंदर 75 डेटा रिसर्चर्स ग्राउंड के अंदर खुद ट्रैवल किए और पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर मैं पर्सनली 15 स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूँ। अभी तक हम लोग 40 चुनावों का आकलन कर चुके हैं जिसमें से 37 चुनावों का हमने आकलन सही किया है, इंक्लूडिंग द 2019 इलेक्शन। इसकी खास बात यह है सुमित जी कि इसमें हर जो इंटरेक्शन है, हर जो सैंपल लिया गया है वो आपसी चर्चा के जरिए लिया गया है, जमीन पर लिया गया है। तो ये कोई भी रिमोट सैंपलिंग इसमें नहीं हुई है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग हुई है। मतलब अगर कोई भी जगह पे मान लीजिए जिस तरीके से जाति समाज है, जिस तरीके से कास्ट डेमोग्राफी है, जिस तरीके से रिलीजियस डेमोग्राफी है, उस हिसाब से सैंपल को लिया गया है और इसमें हर सीट का डेटा है। तो हमने 543 सीट्स के डेटा को सैंपल किया है, 3 राउंड के अंदर सीट्स को बांटी है, ग्रीन, रेड और येलो। मतलब ग्रीन मतलब एक पार्टी क्लियर निकल रही है, येलो मतलब रेड मतलब दूसरी पार्टी क्लियर निकल रही है, और येलो यानी मार्जिन जहां पे 1 लाख से कम है, उन येलो सीट्स के अंदर हमने सैंपल के साइज को और बढ़ाया है। तो ओवरऑल ये इसकी खासियत है और इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव बात नहीं है, बिहेवियर, मतलब हम इसके अंदर जाने की प्रयास करते हैं कि वोटर को वोट देने का कौन सा वो मुद्दा है जो स्विंग मुद्दा है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्विंग वोटर को आइडेंटिफाई करने का बड़ा सैंपल साइज बोला 3.5 लाख। इतना बड़ा सैंपल साइज पहले भी आप कर चुके हैं जी। 2019 में हम लोग ने 5 लाख के सैंपल साइज से किया था लोकसभा के अंदर। तो अगर एक एवरेज स्टेट इलेक्शंस को आप देखेंगे जो हम लोग करते हैं 10,000 से ज्यादा के सैंपल, क्यों किया 5 लाख से? क्योंकि इस बार हमने ये पाया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक तरफा माहौल हमको देखने को मिला। तो मान लीजिए वहां पे हमारे डेटा के अंदर कोई नॉइज नहीं आ रही थी, विच मींस कि अगर हम 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो हम 100 लोगों से एक जैसा व्यू आ रहा था। तो इस कारण हमको 3.5 लाख का सैंपल लेना पड़ा। और अगेन मैं कहूंगा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सैंपल है सुमित जी, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सैंपल ज्यादा भी हो सकता है जहां लड़ाई कांटे की है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सैंपल कम भी हो सकता है जहां लड़ाई एक तरफा है। आपने जो 19 में पोल किया था उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। BJP प्लस को आपने 305 ये प्री पोल में दिया था जी। हाँ, प्री पोल 2019 में जी। और कांग्रेस को कितना दिया था उस वक्त आपने? जी कांग्रेस का हम लोग का 60 से नीचे का आंकड़ा था जी, 124 कांग्रेस वाज अराउंड लेस 58 के अराउंड। तो आपका मतलब कुल मिलाकर जो डेटा था वो ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ जी। और सबसे बड़ी बात ये सुमित जी, जो प्री पोल एस्टिमेट था हम लोग ने जो मार्च अप्रैल में निकाला था वो एग्जैक्टली एज पूरा का पूरा जो रिजल्ट आया था उस हिसाब से था। और मुझे इसमें ये लगता है कि इस डेटा में एरर के चांसेस ट्रेंड में कम हो सकते हैं, और कम इसलिए होते हैं क्योंकि मैं रिमोट सैंपलिंग नहीं करता हूं, ऑन ग्राउंड सैंपलिंग करता हूं। विच मींस अगर मैं विकास जी के पास जा रहा हूं तो मैं जानने का प्रयास करूंगा विकास जी से इन पर्सन कम्युनिकेशन। अगर प्रदीप जी इतनी अच्छी बातें समझा रहे हैं आप एग्जिट पोल को लेके जी, 3.5 लाख का सैंपल साइज जब आप लेते हैं तो खर्चा कितना हो जाता है? वो खर्चा तो जाता है सुमित जी, और ये खर्चा तो काफी समय में होता है, इसीलिए एक बहुत प्रोफेशनल एक्सरसाइज है। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे देश के अंदर भी जो बाकी भी एजेंसीज करती हैं, इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स एफर्ट। क्योंकि एक मैं कहूंगा, एक चुनाव को सही करने के लिए आपको हर चीज को सही करना होता है, और एक चुनाव को गलत करने के लिए एक अगर फैक्टर आपने गलत पकड़ लिया तो चुनाव गलत हो जाता है। ये मैंने अपने पिछले 40 चुनाव के अनुभव से समझा। ठीक है, हम उस पे आएंगे, आंकड़े भी दिखाएंगे और नतीजे भी 4 तारीख को आ जाएंगे, पता लग जाएगा। दो मेहमान जुड़ गए मेरे साथ, हिलाल साहब आप भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
स्टूडियो में आप मौजूद हैं, साथ में दो दो राजनीतिक चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ हैं और सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तुहिन, चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले पोल ऑफ पोल्स एग्जिट पोल का कितना इंतजार है भाजपा को, क्या कह रहे हैं आप, 370 पे बने हुए हैं या कुछ रीथिंक हुआ है? नमस्ते सुमित जी, नमस्ते प्रदीप जी, नमस्ते सभी को। देखिए, हम एक अप्रत्याशित जीत की ओर अग्रसर हैं, तो वोट एग्जिट पोल का काम होता है कि असल फिगर दें। मैं आपको बता सकता हूं कि जितना हम 2019 में जीते थे उससे कहीं अधिक सीटें जो हैं इस बार जीतने वाले हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आपका सेफोलॉजिस्ट इस बार प्रदीप है, क्योंकि प्रदीप मेरे बड़े अच्छे मित्र, और मैंने देखा है कि किस संघर्ष और किस शिद्दत के साथ वो एग्जिट पोल करते हैं, तो जो उनका आंकड़ा होगा मैं कह सकता हूं कि दैट विल बी वन ऑफ द मोर ऑथेंटिक एग्जिट पोल्स। और देखिए इस बार जो है कि विचित्र चुनाव था, वन साइडेड चुनाव था, क्योंकि जो 10 मैंने सर्वाधिक कह दिया, मैंने कहा कि फिगर निकालना जो है वो आपका काम है, सेफोलॉजिस्ट का काम है, लेकिन ये जो था ये एक बहुत बड़ा विचित्र चुनाव था। आपने भी पिछले 3 दशक में चुनाव देखे होंगे, पहली बार जो था चुनाव का नतीजा सबको पता था, बस स्पेक्युलेशन, बस जो जो स्पेक्युलेशन या जो हमेशा जो चर्चाएं होती थी वो सीट के नंबर पर होती थी। तो ये तो एक एक मेरे ख्याल से लोगों बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, चर्चा होती थी। मैं सत्यप्रकाश जी को भी चर्चा में लेके आता हूँ। सत्यप्रकाश जी, आप सुना आपने तुहिन को, वो बोल रहे हैं कि ये ऐसा चुनाव था जिसमें पहले ही सबको नतीजा पता था कि भाई बीजेपी तो जीतने वाली है बड़े बड़े अंतर के साथ। सुबोध जी, आपके बहुत लंबे पत्रकारिता के इतिहास में इतना जरूर आप समझते होंगे कि इस बार की चुनौती बड़ी थी और सीटों को बचाने के साथ साथ नए सीटों को जोड़ने की चुनौती थी। एनडीए ने अपने चुनाव अभियान से, अपने बातों से जनता को एक तरह से कन्विंस किया है, और जहां तक मैं चूंकि बिहार से आता हूं तो वहां 39 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीता था, तो हमें एक सीट और बढ़ाने का लक्ष्य वहां पर है। तो जो भी आंकड़ा आज एग्जिट पोल में आएगा, चूंकि प्रदीप भंडारी जी बड़े अनुभवी बैठे हैं वहां, और भी कई एग्जिट पोल सामने आएंगे, मेरा अनुभव रहा है कि जो एग्जिट पोल आता रहा है 2019 और 2014 में, उससे 50 सीटें करीब अधिक पार्टियों को आई है। एक बार 2004 में चलिए वो गड़बड़ हो गया कि एग्जिट पोल सही नहीं हो पाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे एग्जिट पोल को कोई पार्टी या कोई दल या कोई व्यक्ति नकार दे। इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 400 का आंकड़ा अपने लक्ष्य के लिए रखा। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसमें जितना हम आगे बढ़ पाए और जितना उसे छू पाए वही हमारी सफलता होगी। और मेहमान जुड़ गए विकास, दर्शकों बता देते हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हमको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, और साथ में अमीक जमई समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं। आलोक जी, शायद मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 घंटे से स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड बदल लिया है, क्या आप डिबेट में ऑफिशियली आए हैं? लेकिन पहले मैं अपने आप को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत इंडिया अलायंस की मीटिंग बहुत देर हो गई। इंडिया अलायंस की मीटिंग में जो फैसला लिया गया वो ये था कि हम एग्जिट पोल में हिस्सा लेंगे और तमाम जो हमारे साथी हैं इंडिया अलायंस के वो सभी अब एग्जिट पोल में हिस्सा ले रहे हैं, शायद आपने देखा। अच्छा, मुझसे मिस हो गया। तो आलोक जी, अब मेरा ये सवाल जो तुहिन ने कहा कि नतीजा तो सबको पता था कि क्या होने वाला है, सबको पता था बीजेपी जीत रही है शुरुआत से, केवल नंबर की बात रह गई थी। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। एनडीए के दो पार्टनर हमारे दो साथी यहाँ पर बैठे हैं, दोनों पहले आपस में तो सहमति बना ले। एक कह रहे हैं चुनौती बहुत बड़ी थी, एक कह रहे हैं रिजल्ट पहले से ही पता था। अरे भाई, रिजल्ट पहले से ही पता था और जीत ही रहे थे तो वो मतलब माँ से मछली, माँ से मुसलमान और माँ से मुस्लिम लीग और पता नहीं कहाँ कहाँ मंगलसूत्र, भैंस और मुजरे तक पहुंच गए देश के प्रधानमंत्री। अगर पता ही था कि जीत ही रहे हैं तो कम से कम अपने पद की गरिमा को बचा लेते और इस तरह के बयानबाजी ना करते। देखिए, पता किसी को नहीं था, ना पता अभी भी पूरी तरह से है। सबके अपने अपने आकलन है। आज भी हम एग्जिट पोल्स पर बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स बहुत बार ठीक भी हुए हैं, एग्जिट पोल्स बहुत बार गलत भी हुए हैं। क्या क्वेश्चन रहा, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कौन सा मेथड यूज हुआ, मीडिएशन क्या लिया उन्होंने, किस समय पर पोल हुआ। आज आप देखें कि जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड फेज में ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल किए होंगे और जो फोर्थ और फिफ्थ में था, तब तक देश का मूड बदल चुका था। अगर उत्तराखंड के अंदर
देश का बदले हुए मूड की भी बात करेंगे, 15-20 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा और एनडीटीवी पहला न्यूज चैनल होगा जो अगले आधे घंटे में आपको देश की पूरी तस्वीर सामने उकेर के रख देगा।